निगम भिलाई वार्ड 38 सुभाष नगर के पार्षद सहित अन्य वार्डों के भाजपा पार्षदों ने नगर निगम मुख्यालय के गेट पर कचरा प्रदर्शनी लगाई और साफ सफाई व्यवस्था में भेदभाव का आरोप लगाते हुए निगम आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने निगम सत्ता पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए पहले तो नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय के गेट के समक्ष कचरा प्रदर्शनी लगाकर चरमराई साफ सफाई व्यवस्था के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। तत्पश्चात नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को ज्ञापन सौंपा और कहा कि जिन वार्डों में भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, उन वार्डों के सफाई मित्रों सहित सुपरवाइजर को सफाई कार्य करने से रोका जा रहा है और इसके बावजूद भी कार्य करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है। वार्ड 38 सुभाष नगर के पार्षद पीयूष मिश्रा ने खुले तौर पर सत्ता पक्ष के रसूखदारों को इसका जिम्मेदार ठहराते हुए साफ सफाई व्यवस्था की दुर्गति होने की शिकायत नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त को की है और सत्ता पक्ष के दबाव में आकर कहीं न कहीं नगर पालिका निगम भिलाई के अधिकारी कर्मचारी भी साफ सफाई व्यवस्था में भेदभाव कर रहे हैं। देखिए, हम लोग इस नगर निगम की जब जब व्यवस्थाएं बिगड़ती है तब तब नगर निगम को यह याद दिलाते हैं कि नगर निगम की जिम्मेदारी जनता के प्रति क्या है। अभी चुनाव के बाद से लगातार सफाई व्यवस्था या अन्य विकास कार्य जो चल रहे हैं उसको लेकर के भाजपा पार्षदों के वार्ड में भेदभाव वाला रवैया अपनाया जा रहा है। भिलाई विधायक और उनके लोगों के द्वारा निगम के जो सुपरवाइजर हैं, निगम के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके ऊपर एक दबाव बनाया जा रहा है कि भाजपा पार्षदों के यहाँ काम नहीं होने देना है और अगर हमारे मना करने के बाद भी तुम लोग काम कराओगे तो तुमको या तो नौकरी से निकाल देंगे या तुम्हारा ट्रांसफर कर देंगे। इस डर के कारण नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी वहाँ काम नहीं कर रहे, इसके कारण जनता का काम प्रभावित हो रहा है। इस भिलाई की जनता ने हमें भी चुनकर जिस पद पर हम हैं वहाँ बैठाया है और भिलाई विधायक या महापौर जो भी हैं उनको भी भिलाई की जनता ने ही चुन करके वहाँ बैठाया है। इस बात को उन्हें याद रखना चाहिए और अगर जनता का काम प्रभावित होगा और जनता के साथ भेदभाव किया जाएगा तो आने वाले समय में ये भिलाई की जनता उन्हें भी मुंह तोड़ जवाब देकर के ये एहसास कराएगी कि जिस लायक तुम नहीं थे वापिस तुम्हें उस पद से हटा दिया गया है। और भाजपा पार्षदों के वार्डों में अगर किसी भी प्रकार का भेदभाव किया जाएगा तो लगातार हमारा उग्र प्रदर्शन होगा और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों को यहाँ काम करने के लिए सोचना पड़ेगा। हम लोग शांत हैं तो इसलिए शांत है कि नगर निगम के संचालन और कामकाज में हम कोई बाधा उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर वार्डों में प्रभाव होगा और जिसके कारण हमारी यहाँ की जनता प्रभावित होगी तो हमारा प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और आने वाली 25 तारीख को अगर व्यवस्थाएं नहीं सुधरी तो आने वाली 25 तारीख को होने वाली सामान्य सभा जो है उसमें हम लोग कूड़ा कचरा अपने सर पर तगाड़ी में लेकर के आएंगे और एक अनोखा प्रदर्शन सामान्य सभा में करेंगे जैसा इस स्वतंत्र भारत में आज तक नहीं होगा किसी असेंबली में लोग ऐसा किए। देखिए, चुनाव विधानसभा चुनाव और वो सब बहुत दूर है, अभी चुनाव जब आएगा तो चुनाव लड़ना भी जानते हैं और हमारी पार्टी चुनाव को लेकर के अपनी प्लानिंग से चुनाव लड़ती भी है और बहुत अच्छे से चुनाव लड़ना भी जानते हैं। आज हम भिलाई की जनता को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं, भिलाई की जनता त्रस्त है। ये सफाई का कार्य जो सफाई का टेंडर चल रहा है ये भिलाई विधायक के लिया हुआ काम है और भिलाई विधायक अपने लाभ के लिए ये काम सफाई का जो काम है ये प्रभावित कर रहे हैं ताकि वो कर्मचारी जो है जिनको निकाला जा रहा है उनका पैसा उनकी जेब में जाए, ये मेरा सीधा आरोप है और इसलिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं और व्यवस्थाओं को सुधारने तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। ये कोई चुनाव को लेकर के नहीं, जब चुनाव होगा तो चुनाव लड़ना और चुनाव में पराजित करना ये बहुत अच्छे से आता है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त ने ज्ञापन लेकर वार्ड 38 के पार्षद पीयूष मिश्रा सहित अन्य भाजपाई पार्षदों से चर्चा की और उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और जल्द इस पर त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। पीयूष मिश्रा जी ने ज्ञापन सौंपा है कि उनका कहना है कि जो नगर निगम में वार्डों की सफाई हो रही है उसमें भेदभाव किया जा रहा है, कुछ वार्डों में सफाई कर्मी नहीं जाते हैं, कुछ वार्डों में स्पेशल सफाई कर्मी भेजा जाता है। तो ऐसा मेरा निगम का कहना यह है कि निगम में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता, हमारी जिम्मेदारी सभी वार्डों को सफाई कराना है, ठीक है, किसी वार्ड को छोड़ना ऐसा नहीं है। कामन रूप से सभी जगह कर्मचारी जाते हैं, इसको नोटिंग हमारे लेवल पर हमारे JDHO HO भी करता है। इनका ये जो कह रहे हैं कि भेदभाव किया जाता है इसको मैं अपने लेवल चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इस टाइप की बातें हो रही है तो इसको हम सुधार करें। अगर कोई सुपरवाइजर ड्रिंक करके आता है तो ऑफिशियली गलत है, हम तुरंत इसको जो भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। इस बार सत्ता पक्ष पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं जिसके तहत सफाई कर्मियों को धमकाने का आरोप शामिल है। देखना होगा कि निगम आयुक्त इन मामलों को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्रवाई को अंजाम देते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।